आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। और 3.3 पे आना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे आपको खुद का वीडियो लेकर आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में वीडियो को शूट किया हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव करता हूँ, वीडियो क्लियर पर क्लिक करूँगा, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। वीडियो आगे तरफ लेकर आना है और सिर्फ हमको यहीं तक का सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो को आपको स्लो मो करना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है, ये वीडियो आपका स्लो मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाला वीडियो हमारा इस तरह से लेकर आना है, सेकेंड वाले इस वाले जो वीडियो एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ शायद लास्ट में हम कर देता हूँ। इसके बाद सेकेंड टाइप का वीडियो मैंने यहाँ से शूट किया हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, 0.5 कर देना है। इसके बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा 2 पार्ट का वीडियो, फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था, सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था, और 3rd पार्ट का वीडियो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, 0.5 कर देना है। इसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड का वीडियो को म्यूट करता हूँ, मैं एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, मैंने 3 पार्ट में, मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट किया हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। टिकटॉक पे वीडियो फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर प्रॉपर तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने साउंड को म्यूट किया था, जो साउंड को मैंने म्यूट किया था, उस साउंड को फिर से मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आपको साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।